नरेंद्र मोदी ने वीडियो लिंक के माध्यम से वाराणसी डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो चलिए जानते हैं इस दुनिया की सबसे बड़े क्रूज की खासियत क्या है। गंगा विलास क्रूज जहाज 62 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। गंगा विलास में 5-स्टार होटल जैसी सभी लग्जरियस सुविधा है। यात्रियों के लिए 40 सीटों वाले रेस्टोरेंट और कॉन्टिनेंटल और इंडियन फूड के साथ बुफे काउंटर भी है। इसमें एसी एंटरटेनमेंट रूम है, स्पा सुविधा युक्त सैलून भी उपलब्ध है। यात्रियों के लिए यात्रा उबाऊ ना हो इसके लिए गीत संगीत और लाइब्रेरी की व्यवस्था भी की गई है। सभी तरह के आधुनिक सुविधाओं वाला क्रूज पूरी तरह से सुरक्षित है। इसका फ्यूल टैंक 40,000 लीटर और वाटर टैंक 60,000 लीटर का है। विश्व धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों सहित 50 पर्यटन स्थलों की यात्रा के साथ 51 दिनों की क्रूज की योजना इसकी बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के बनारस से चलकर बांग्लादेश के ढाका होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक का सफर ये जहाज तय करेगा। लगभग 2 महीने का लंबा सफर करके ये क्रूज 1 मार्च को डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। इस दौरान ये क्रूज भारत और बांग्लादेश में 27 नदी सिस्टम से होकर गुजरेगा। इस पूरी यात्रा के लिए इसकी कीमत लगभग 12.6 लाख रुपए प्रति व्यक्ति है। ये क्रूज मेड इन इंडिया है। इसमें कुल 80 लोग बैठ सकते हैं, जिसमें 40 सदस्यीय चालक दल शामिल है जो यात्रा के लिए क्रूज पर होगा। 40 सीटर मल्टी कुशन रेस्टोरेंट 3 दर्जन यात्रियों की सेवा करेगा। इसमें इको फ्रेंडली सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट भी है, साथ ही इसे पर्यावरण के लिए अनुकूल भी बनाया गया है। आपको ये क्रूज कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और नवभारत डिजिटल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।